सीबीएसई व आईएससी बोर्ड के निजी विद्यालयों द्वारा शुल्क पाठ्य पुस्तकों यूनिफॉर्म आदि के नाम पर किए जा रहे छात्र छात्राओं के शोषण को रोकने व उत्तर प्रदेश स्वतंत्र विद्यालय शुल्क अभियमन विधेयक 2017 के प्रावधानों के सख्ती से लागू करने के संबंध में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने डीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विगत 68 वर्षों से छात्रवाद राष्ट्रहितों के लिए निरंतर संघर्ष राष्ट्रवादी संगठन है। उन्नत शिक्षा किसी भी राष्ट्र व समाज की प्राणवायु होती है, लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा के वाजीकरण में जनमानस व छात्र शक्ति को आक्रोशित व आहूत कर दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम निम्नलिखित समस्याओं और बिंदुओं को आपका ध्यान आकर्षित कर उनके अविलंब समाधान की मांग करते हैं। सीबीएसई एवं आईसीएसई बोर्ड के निजी विद्यालयों संचालक द्वारा शुल्क वृद्धि, यूनिफॉर्म व पाठ्य पुस्तकों आदि के नाम पर छात्र छात्राओं का शोषण किया जा रहा है, जिससे अभिभावकों व छात्र शक्ति को आक्रोश असंतोष व्याप्त कर जन आंदोलन का रूप ले सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्र छात्राओं को उपलब्ध समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए 3 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश स्वपित प्रेषित स्वतंत्र विद्यालय विधेयक का लागू छात्र छात्राओं से ट्रांसपोर्ट शुल्क किलोमीटर के आधार पर निर्धारित हो व सभी वाहनों की सुरक्षा मानकों का समय समय पर नियमित जांच हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उपरोक्त समस्याओं के समाधान की मांग आपसे करता है। 1 सप्ताह के अंतर्गत उक्त समस्याओं का समाधान व उत्तर प्रदेश के विधेयक के प्रावधान लागू किए जाएं, अन्यथा अखिल भारतीय विद्या परिषद आंदोलन का बाध्य होगा। इस अवसर पर सचिन चौधरी, सचिन सिंह, चकित चौधरी, अपील, शिवम ठाकुर, पवन, प्रगुण, सरनाम सिंह, संदीप चौहान आदि उपस्थित रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मुरादाबाद इकाई के द्वारा जो पब्लिक स्कूलों में अवैध फीस वसूल है, उसके लेकर आज जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया। जैसे ही उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है, जो अभिभावकों का शोषण ये पब्लिक स्कूल मनमानी तरीके से कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मांग रखी थी, हमारी जो वर्षों से मांग चली आ रही थी कि जो फीस है वो 5-7% बढ़ाई जाए, उसके अनुसार ही जो अध्यादेश आया उसे लागू कराने के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया। अगर विद्यार्थी परिषद के जो अध्यादेश आया है ये नहीं माना गया तो विद्यार्थी परिषद अभिभावक और छात्रों के साथ न्याय के लिए लंबा आंदोलन करेगी। इसके लिए जहाँ धरना प्रदर्शन, पूरे पब्लिक स्कूल बंद करने पड़े।